ये केएमएल और इस साइड का क्रॉस है ना। देख लीजिए हेड देखिए एक बार। जी जी हाँ जी जी कैटेगरी दो कैटेगरी होता है काम्फा और जी जी। तो ये जी जी कैटेगरी के हर फिश एसआरडी हुआ केएमएल हुआ जीबी हुआ थाई सिल्क हुआ ये सब के लिए है। इसमें हेड मतलब ऑल इन वन है ये हेड भी आता है पर्लिंग भी आता है कलर भी आता है इसमें। हेलो सर ब्लॉग एंड फिश समय का और एक नया वीडियो आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आए हैं हावड़ा के सबसे बड़े फ्लावर हाउस सेटअप में। तो यहाँ हर तरह का आप लोगों को इम्पोर्टेड और इंडियन सब तरह का मतलब फ्लावर हाउस आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा। और क्या का कलेक्शन है वो कलेक्शन तो आप लोगों को दिखाएंगे बहुत तरह का कलेक्शन है। तो चलिए उससे पहले यहाँ का जो ऑनर भैया है ऑनर भैया को बुला लेते हैं और भैया से ही जान लेते हैं क्या क्या कलेक्शन है। तो भैया थोड़ा इधर आइए। तो दोस्तों दोनों भैया आ गए चलिए परिचय कर लेते हैं। तो भैया आपका नाम अमृत बंसल। अच्छा और आपका राघव झुंझुनवाला। अच्छा तो आपका इस फार्म का एड्रेस बता दीजिए। ये 37 जलियापाड़ा लेन अपना हावड़ा से एक ऑटो लेके 5 मिनट में पहुंच सकते हैं यहाँ पे। अच्छा। और अपना हावड़ा के बीचों बीच में ये लोकेटेड है। अच्छा हावड़ा स्टेशन से कितने टाइम लगे? हावड़ा स्टेशन से आपको 5 to 10 मिनट्स लगेगा ऑटो से। अगर ऑटो से अच्छा तो यहाँ पे आप क्या क्या कलेक्शन है मतलब हॉर्न का? यहाँ पे हॉर्न का सारा ही कलेक्शन है इम्पोर्टेड से लेके इंडियन केएमएल एसआरडी काम्फा थाईसिल सब टाइप का कलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा और हर रेंज का कैटेगरी का फिश आपको मिल जाएगा। हर रेंज का मिल जाएगा हर रेंज का और हर कैटेगरी का छोटे से बड़ा सब कुछ छोटे से बड़ा सब टाइप का फिश आपको मिल जाएगा। तो आप डिलीवरी करते हैं? तो जी ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी होता है। ऑल ओवर इंडिया जी। तो थोड़ा आपका नंबर शेयर करिए। जी मेरा नंबर है 8240233681। मेरा नंबर है 7003160979। तो दोनों में व्हाट्सएप है? हाँ दोनों में व्हाट्सएप है। तो दोस्तों चलिए आपका जो कलेक्शन आप लोगों को दिखा देते हैं और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए और जो लोग चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए क्या क्या कलेक्शन है और देख लेते हैं। ये एसआरडी है इम्पोर्टेड देखिए इसका हेड बॉडी शेप आप सब देख सकते हैं अग्रेसिवनेस देख इम्पोर्टेड है ये एवरेज क्वालिटी का है बहुत ही अच्छा है ये कलर भी बहुत देख अच्छा सकते हैं आप बॉडी है क्रॉस हेड पर एसआरडी का फुल फॉर्म क्या है मतलब सुपर रेड ड्रैगन। सुपर रेड ड्रैगन हाँ ये जीजी कैटेगरी में फिश आता है इसको जेंजू बोलते हैं। अच्छा भैया ये ऐसा हेड करने के लिए कुछ स्पेशल खाना देना पड़ता है? फूड आपको मेंटेन करना पड़ता है फूड वाटर क्वालिटी और उससे भी ज़्यादा जेनेटिक्स आपको देखना पड़ता है जिस जीन का फिश ले रहे हैं कैसा जीन है पेरेंट्स का देखना होता है पेरेंट्स ट्री देखना पड़ता है। हाँ नहीं तो इतना अच्छा हेड नहीं आया। नहीं जेनेटिक्स आपको अच्छा लेना होगा उसके बाद आपको मेंटेनेंस भी करना होगा क्योंकि आप कितना ही अच्छा बॉडी आपका हो आपको फूड और आपका एम्बियंस सही नहीं रहेगा तो आपका नॉर्मल आदमी भी बिगड़ जाता है। तो फिश केयर इसमें तो इसका प्राइस ये सेल के लिए है? तो हाँ जितना भी एसआरडी है यहाँ पे सब सेल के लिए है। प्राइस कितना है? ये आपका 1500 से लेके 2000 के रेंज में काफ़ी सारा है सबका अलग अलग प्राइसिंग है। अच्छा होलसेल अलग है होलसेल में सेम प्राइस हो जाता है होलसेल में कम हो जाएगा? हाँ होलसेल में कम हो जाएगा ये रिटेल प्राइस बोल रहा हूँ मैं 15 से 2000। भी एसआरडी है? हाँ ये भी एसआरडी है देखिए इसका फिनिश भी रेड है कलर बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का देखिए। इसका साइज कितना होता है? इससे बड़ा ये 3 हाँ काफ़ी बड़ा होगा अभी 12 इंचेस तक जाएगा। 12 इंचेस हाँ ये अभी 3.5 to 4 inches है ये अभी काफ़ी बड़ा होगा। खाना देने से बड़ा हो जाएगा? हाँ खाना आपको प्रॉपर खाना वाटर चेंज मतलब ये जीता है 2 साल 2.5 साल 3 साल मैक्सिमम। अच्छा। आराम से रहेगा तो उसमें आपको टैंक साइज देना होगा मिनिमम 2 feet 2.5 मिनिमम होता है। बड़ा टैंक भी देना होगा? हाँ ये आप जो टैंक देख रहे हो ये पूरा एक टैंक मिनिमम उसको देना होगा विदाउट पार्टीशन। अच्छा अब इसमें क्या है? यहाँ पे भी एसआरडी है सारा इधर एसआरडी है तो सब एसआरडी है। हाँ ये एसआरडी है आपका इधर एक थाई सिल्क है पीछे छुपा हुआ मतलब हेड सबका अच्छा ही है। हाँ सबका हेड अच्छा ही है फ्लक्चुएशन सब फिश में होता है मतलब सब एक जैसा नहीं दिखेगा थोड़ा सा कुछ किसी का हेड बहुत ज़्यादा है किसी का बॉडी शेप बहुत सुंदर है। इसमें थाई सिल्क है मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको थाई सिल्क। हाँ ये थाई सिल्क है इसका भी अच्छा खासा हेड आएगा अभी वेदर की वजह से थोड़ा सा होता है कलर। हाँ ये पूरा सिल्क ब्लू होता है। अच्छा इसका भी उतना बड़ा हेड हो जाएगा? हाँ उसका भी हेड बड़ा होगा थोड़ा सा डाउन है वेदर की वजह से इसका हेड अच्छा था। अच्छा ओ हेड कम भी हो जाता है क्या? हाँ हेड कम होता है अगर मतलब इन लोगों को थोड़ा सा हीटर देना पड़ता है ठंडा में या जब जब वेदर चेंज होता है। तो इसका प्राइस कितना है भैया?
ये आपका 1800 से लेकर 2000 के अंदर था, और भी था इसीलिए था मेरे पास, अभी है नहीं आएगा। ये KML है मेरा, होम ब्रीड, ये नॉट फॉर सेल है। अच्छा, KML। हाँ, अब ब्रीडिंग भी करते हैं हम? ब्रीड भी करते हैं, ब्रीडिंग का सेटअप भी मैं दिखा दूंगा अभी आपको इसी वीडियो में। तो बच्चा भी कोई मांगे तो मिल जाएगा? फ्राई मैं होलसेल करता हूँ, रिटेल नहीं करता। होलसेल लेना पड़ेगा? हाँ, फ्राई होलसेल लेना पड़ता है। तो अभी अवेलेबल है? हाँ, फ्राई होलसेल अवेलेबल है, वो भी बाद में दिखा देंगे। हाँ सर, ये तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। हाँ, तो दोस्तों हेक देख लीजिए और क्वालिटी देख लीजिए, इतना अच्छा क्वालिटी का आप लोगों को हॉर्न मिल जाएगा। मतलब ये भैया हॉर्न लवर के लिए एकदम जन्नत है। हाँ, बहुत अच्छा। आप आओ, नॉलेज भी मेरे से मिल जाएगा, जितना मेरे को पता है मैं अब शेयर कर दूंगा फ्लावर हॉर्न के बारे में। हाँ, मतलब हॉर्न लवर है वो सब, तो सब हॉर्न इधर मिल जाएगा। हाँ, जितना फ्लावर हॉर्न है जितना तरीका का सब मिल जाएगा। और इसमें क्या है? SRD है, जो आपने नीचे देखा सब SRD है इसमें। SRD ज़्यादा? हाँ, SRD, क्योंकि बिगनर्स लोग के लिए SRD बेस्ट होता है हॉबी में। मेंटेनेंस कम होता है क्या? मेंटेनेंस कम नहीं होता है, उसका प्राइस रेंज थोड़ा सा कम होता है। अच्छा। और स्टार्टिंग में हेड ज़्यादा बड़ा चाहिए, तो SRD का जल्दी हेड आ जाता है। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। ये देख लीजिए, यहाँ पर फुल क्रॉस हेड है। क्या है इसमें? क्रॉस हेड है, मतलब हेड पे पर्लिंग पूरा मार्किंग है। हाँ, सब SRD का कलेक्शन ज़्यादा है। हाँ, SRD ज़्यादा डिमांड रहता है थोड़ा यहाँ पे। प्राइस रेंज के लिए? प्राइस रेंज के लिए लोकल शॉप में भी SRD ज़्यादा डिमांड रहता है, तो हम लोग SRD ज़्यादा उठा के रखना पड़ता है। हाँ, ये KML है। KML। अच्छा, इसका एज कितना होगा? ये 5 महीना होगा। 5 महीना? हेड आने का टाइम कितना होगा, कितना महीने में हेड आता है? हेड ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कितना महीना में आता है, किसी फिश का जल्दी आता है, किसी का ज़्यादा आता है, सबका ग्रोथ अलग अलग होता है, सब मछली का एक ही बैच का। अच्छा। किसी का जल्दी ग्रोथ होता है, किसी का हेड ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, कॉन्स्टेंट नहीं होता है कोई भी चीज़ एक बैच में, किसी सबका हेड बड़ा हो रहा है, कभी भी आ सकता है। हाँ, कम बेसी। खाना प्रोटीन वो सब तो जरूरी है? हाँ, वो आपको तो ज़रूरी है, और वाटर चेंज ज़रूरी है। और क्या क्या तरह का है ये सब? क्या है ये? सारे KML है, जितना सारे KML है। हाँ हाँ, तो देख लीजिए KML। इस पे इसी पानी में दिखा दे रहा हूँ, कलर में समझ में आएगा। देख लीजिए पानी, क्लियर पानी में देख लीजिए KML का कलर। अगर ये भी चाहिए तो भैया को कॉल कर लीजिए। ये सारा मेरा होम ब्रीड है। अच्छा, KML का प्राइस कितना तक स्टार्ट है? KML ये 1500 से स्टार्टिंग है। 1500? हाँ, KML मेरा जितना सारा होम ब्रीड है, आप जितना भी देख रहे हो यहाँ पे। ये और एक KML, ये सब मेल है? हाँ, सब मेल है, कंफर्म मेल देता हूँ मैं, फीमेल सेल नहीं करता मेरा। अच्छा, अब फीमेल का क्या हेड नहीं आता है? आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल में हेड नहीं आता है, जेनेटिक्स में रहेगा आएगा, पर इन जनरल फीमेल का हेड नहीं आता है, थोड़ा सा SRD बेस में ये। और एक KML थोड़ा SRD जैसा दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, क्रॉस है क्या? हाँ, क्रॉस है। SRD और KML का क्रॉस, थोड़ा रेड बेस में किसी को चाहिए अगर KML। तो लेडीज है नीचे? हाँ, इस टाइप का एडल्ट भी है मेरे पास एक बड़ा, ये आप देख सकते हो इसको। अच्छा, ये KML और SRD का क्रॉस? हाँ, क्रॉस है। अच्छा, सुपर क्वालिटी देखिए। ये आपका 5 इंचेस होगा, 5 इंचेस प्लस होगा। ये 2 साल का हो जाएगा ना? ये अभी 1 year 3 months का है। 1 year 3 months? हाँ। 1 year में देखिए कितना अच्छा हेड आ गया। हाँ, हेड इसका और भी ज़्यादा था एक्चुअली, अभी जो 2 दिन वेदर फ्लक्चुएट हुआ है ना। हाँ। उसमें थोड़ा सा मछली लोग थोड़ा सा वो हुआ, इनएक्टिव हुआ, हेड डाउन किया। जब भी वेदर फ्लक्चुएट होगा फ्लावर ऑन हेड डाउन करता है। सेल के लिए नहीं है? तो नहीं, ये सेल के लिए। सेल के लिए? हाँ। प्राइस कितना है? 3000। 3000। तो नेक्स्ट? नेक्स्ट काम्फा है। काम्फा? हाँ, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होता है काम्फास, और एक्सपेंसिव भी होता है फ्लावर ऑन में सबसे ज़्यादा। ये एक्सपेंसिव है? हाँ, फ्लावर ऑन में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव काम्फा ही होता है। तो ये काम्फा? हाँ, AF2 जनरेशन का काम्फा है। AF2? हाँ,
काम्फा में जनरेशन होता है F1, F2, F3। अच्छा, ये F2 जनरेशन का काम्फा। F2 जनरेशन का। अच्छा, आप बॉडी शेप देख लो, पर्लिंग देख लो, डुअल टोन काम्फा है ये। डुअल टोन? हाँ, मतलब दो कलर है, येलो और हाँ, दो कलर है। तो ऐसा डुअल टोन है, सिंगल टोन में भी है मेरे पास, थिक पर्लिंग में भी है, ये नॉर्मल है, थिक पर्लिंग में ऊपर देख सकते हैं। हाँ, थिक पर्लिंग में मतलब एकदम मोटा पर्ल जिसको बोलते हैं। हाँ, ये हाँ, इसका भी कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर आपका नेक्स्ट अलग अलग कलर में मैं सारा कलर दिखाता हूँ। ये देखिए, दिख रहा अभी रेडनेस उसका कलर, शानदार कलर है। ये आपका चिली रेड काम्फा है, मतलब पूरा रेडनेस होगा उसके बॉडी में, तो रेडनेस आएगा इसमें। हाँ हाँ, मैं आपको हैंड वीडियो भी दिखा देता हूँ इसका, आपको दिख रहा होगा फिंस और बॉडी में रेडनेस उसका। हाँ, दिख रहा है। हाँ, पूरा वाइब्रेंट रेड है। तो इसका प्राइस कितना है? काम्फा मेरे पास अभी जो अच्छा काम्फा है वो स्टार्टिंग है 3500 से। 3500? हाँ हाँ, और उससे भी लो रेंज का भी काम्फा है, पर जनरली एक काम्फा बढ़िया पूरा बॉडी ट्रेड के साथ 3500 में मिल जा रहा है मेरे पास। स्टार्टिंग उस पर 3500? हाँ, स्टार्टिंग ऐसे काम्फा का मेरे पास 2000 से। 2000? हाँ। अच्छा वाला 3500? हाँ, सेलेक्टेड बढ़िया पीस आपका 3500 से। कितना तक जाता है? काम्फा का लिमिट नहीं है, 30,000-40,000 तक का काम्फा है मेरे पास। अच्छा, अब एक रेड पे दिखाता हूँ, येलो पे दिखाता हूँ, सॉरी येलो। हाँ, ये देखो आप, बॉडी में उतना भी नहीं समझ में आ रहा होगा, पर फिंस आप देखो पूरा येलो हो रखा है। हाँ, बॉडी पे भी जो सामने से देखेंगे उनको समझ में आएगा। भैया, इसका एज कितना है अभी? इसका हेड तो उतना अच्छा नहीं है अभी। नहीं, काम्फा का हेड लेट से आता है, थोड़ा लेट में आता है। हाँ, किसी का थोड़ा जल्दी आता है, जैसे एक पीस का जो डुअल टोन का था उसका हेड पहले से आया हुआ है, पर इन जनरल काम्फा का हेड थोड़ा लेट आता है, पर हेड सबका आएगा, सब मेल है, कन्फर्म मेल दूंगा मैं। देख लीजिए अभी पढ़ लेंगे इसका। ये कौन सा कलर में है? ये सिल्वर में है, मतलब जो पर्ल का पैटर्न है वो सिल्वर है, और ऐसे रेड बेस है इसका। हाँ, रेड बेस है। तो देख लीजिए दोस्तों, क्रॉस हेड है पूरा। हाँ, तो कलर देख लीजिए, क्वालिटी देख लीजिए, अगर आप लोगों को पसंद आए तो भैया को कॉल कर लीजिए। ये मेरे होम ब्रीड KML है, जो आप देख सकते हैं, मतलब जो उस पाइड में आपको पहले इसके पहले दिखाया सारा KML का वीडियोस, उसका ही ये मतलब एक अडल्ट वर्जन है। ये सेल है? ये नॉट फॉर सेल है, पर वो सारे सेल पे थे, सेम बैच के फिशेस हैं। ये अभी TD जीन का काम्फा है, फ्राइज। हाँ, TD जीन एक फेमस जीन है काफ़ी। हाँ, जूम करके देखिए, इसका फ्राइज अवेलेबल है, ये पर्सनल पीस है मेरा, ग्रूमिंग के लिए निकाला हूँ। इस क्वालिटी का काम्फा फ्राइज मिल जाएगा, थोड़ा एक्सपेंसिव है, स्टार्टिंग 4000 से। स्टार्टिंग 4000? हाँ, यही साइज। टीडी जीन का काम्फा? हाँ, टीडी जीन का काम्फा है। तो ये साइज का 4000? हाँ, ये साइज का 4000 से स्टार्टिंग है, अगर आप सिलेक्शन पे जाओगे प्राइस चेंज होते रहेगा। अच्छा, तो ऑब्वियस बात है। हाँ, तो भैया इसमें क्या है? ये ब्रीडिंग पेयर है, एक SRD और KML का। इसमें फीमेल सेल पे नहीं है, पर मेल फॉर सेल है अवेलेबल। मेल सेल में है? हाँ। मेल क्या SRD है? हाँ, मेल SRD है। और ये फीमेल देखिए। हाँ, फीमेल नॉट फॉर सेल है, उसका बच्चा मिल जाएगा, पर फीमेल नॉट फॉर सेल है। फीमेल KML में है? हाँ, KML है। तो इसका भी फ्राई अवेलेबल है? मतलब ऐसा अभी ब्रीड किया नहीं है, इसके पहले बैच ऑलरेडी मेरा सोल्ड है। बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। तो भैया, कोई अगर यहाँ से आपका जो ब्रीडर लेके जाए और खुद मतलब ब्रीडिंग करना चाहे तो पॉसिबल है? हाँ, मैं गाइड कर दूंगा आपको, जिनको हाँ जिनको ब्रीड करना है, पेयर भी मिल जाएगा मेरे पास, फीमेल भी मेरे पास रहता है, इम्पोर्टेड फीमेल ला दूंगा, और मेल भी किसी को ऑल्टरनेट चाहिए, KML चाहिए या कुछ चाहिए, फर्टाइल मेल भी मिलेगा, ब्रीडिंग साइज मेल भी मिल जाता है मेरे पास। अच्छा, और आप डिलीवरी पूरा ऑल इंडिया करते हैं? हाँ, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी, जहाँ जहाँ रेलवे स्टेशन का जंक्शन है अवेलेबल, जहाँ लगेज खुलता है वहाँ भी करता हूँ, और जहाँ नहीं खुलता है वहाँ वाया अटेंडेंट के थ्रू मैं भेज देता हूँ। और एयर से चाहिए तो एयर से भी अवेलेबल है। और कौन कौन सा देश में अभी डिलीवरी हो रहा है इंडिया छोड़ के? इंडिया छोड़ के मेरा लास्ट नेपाल गया था, और एक बांग्लादेश गया था। अच्छा,
हाँ बांग्लादेश पॉसिबल है, पर आपको मेरे को पहले से जो शिपमेंट चार्ज होगा वो देना पड़ेगा। आप नॉर्मल एक ट्रेन फेयर जो आप सोचोगे तो उसमें नहीं होगा। अच्छा, तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा? हाँ। अच्छा, बांग्लादेश पॉसिबल हो जाएगा डिलीवरी? ठीक है। तो दोस्तों, अगर कोई बांग्लादेश अगर कोई लेना चाहे तो भैया को कॉल कर लीजिए। अच्छा, और इसमें क्या है? ये वाइट KML का फ्राई है, वाइट टाइगर KML का। देखिए अभी क्वालिटी देख लीजिए, बहुत ही शाइनी कलर है। हाँ, पर्लिंग है, थोड़ा स्ट्रेस में तो ब्लैक है, नहीं तो पर्लिंग उसके पूरा बॉडी में। इसका प्राइस कितने से स्टार्ट है? 1500 से स्टार्टिंग है ये प्राइस। हाँ हाँ, फ्राई। हाँ, और इसका बड़ा साइज मिल जाएगा? बड़ा साइज अभी नहीं अवेलेबल है, अभी जस्ट ही आया ये। अच्छा, ये भी नया नया आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, वाइट टाइगर KML फर्स्ट टाइम आ रहा है इंडिया में। आप देख लो, ये होम ब्रीड का प्राइस है मेरा, इसमें ग्रूम हो के वो जो सारा पीसेस आप KML का देख रहे थे वो इस बैच से ही निकला हुआ है। तो इस टाइप का आपको इस फ्राई, तो मेरा ये मेरे होम ब्रीड KML का है, इसमें फ्राई सेल नहीं हो रहा, ये वाला बैच का सेल नहीं हो रहा है। ये इस बैच का फ्राई में सेल नहीं कर रहा, इस बैच का सिर्फ ग्रूम्ड पीस मैं दूंगा। बड़ा करेंगे? हाँ, थोड़ा सा बड़ा करके ही, मतलब सेलेक्टेड मेल दूंगा इसमें से, क्योंकि फ्राई जाने से फीमेल भी जाता है। तो देखिए, और एक SRT, ये कंपटीशन ग्रेड का SRT है, ये उनसे थोड़ा सा अलग ग्रेडेशन का है। अच्छा, इसका हेड भी काफ़ी बड़ा हुआ उनसे। हाँ, कलर भी बहुत अच्छा, रेज भी बहुत ज़्यादा रहे। डार्क रहेगा पूरा, क्रॉस हेड पर्लिंग, इसका पैटर्न भी अलग है थोड़ा सा। पैटर्न भी अलग है। इनका प्राइसिंग स्टार्ट है 3500 से। 3500? हाँ। अच्छा, इसमें KML भी मिल जाएगा इस ग्रेड का। और ये क्या है? उस रेंज में भी काम्फा है अवेलेबल बस। तो ये देखिए, ये थोड़ा कम रेंज का है, 2500। पर क्वालिटी बढ़िया है, पर्लिंग और आप सब देख सकते हो। ये मार्किंग थोड़ा बड़ा होता है तो दाम बढ़ जाता है ना। हाँ हाँ। तो इसमें सब SRD है? सब SRD है, देख लीजिए आपको शॉट, बहुत ही अच्छा है। अभी पानी के ऊपर ज़्यादा हेड क्लियर आ रहा है। हाँ, आपको उस टाइम टैंक में दिक्कत हो रहा था तो मैं इसे दिखा दे रहा हूँ। तो इसमें सब KML है? सब KML है, सब। तो देख लीजिए, सब KML। ये क्या है? SRD? KML है दोनों। KML, और ये KML और SRD का क्रॉस है ना। हाँ। तो देख लीजिए, हेड देखिए एक बार क्या क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा साइज है। 6 इंच से ज़्यादा होगा ना? 5.5 इंच। 5.5 इंच। हाँ। और दूसरा ये KML? हाँ, KML मेल। तो फ्लावर ऑन तो हो गया, फिशेस मैंने दिखा दिया, और फिशेस दिखाया हूँ, अब उसका फूड पे आता हूँ। ये एक फूड है हम लोग का ग्रूम अप। हाँ, ये सारा ही फूड जो मैं दिखा रहा हूँ एक्वा बडी ब्रांड के अंडर आता है। हाँ, ये ओनली फॉर काम्फास है। इसको कैसे खिलाना पड़ता है? ये पैलेट्स का मतलब सब साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, फिश का क्या साइज़ है, क्या एपेटाइट है, तो वो आप में से डिस्कस करना, जब आप लोगे मैं आपको बता दूंगा। बाकी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, नॉर्मली 2 से 3 बार दिन में 4 पैलेट करके देना रहता है। अच्छा, तो प्राइस रेंज कितना है? ये प्राइस है 600 का। 600? हाँ, और होलसेल किसी को डीलरशिप चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर सकता है मेरे पास। और इसका मतलब कितना वेट, वजन कितना है? ये 100 ग्राम्स। 100 ग्राम? हाँ, 100 ग्राम 600, 599 इसका प्राइस है। अच्छा,
ये काम्फा के लिए है। हाँ, काम्फा हेड, बॉडी शेप, पर्लिंग, ये सब के लिए ये मेंटेन करता है। हाँ हाँ। फिर आते हैं डुओ, ये डुअल टोन जो फिश होता है उस पर सबसे बेस्ट काम करता है। हाँ, एक्वाबडी का डुओ, ये भी फ्लावर ऑन का। इसमें काम्फा और एसआरडी और केएमएल सारा ही कैटेगरी इंक्लूड होता है। जिस फिश में रेड और येलो कलर होगा उसको ये कंक्लूड करेगा। इसमें हेड भी थोड़ा सा पंप होता है पर मोस्टली ये कलर के लिए है। अच्छा, कलर के लिए ये कौन सा हॉल करते हैं? हर तरह का हॉल का। हाँ, हर तरह का फ्लावर ऑन के लिए। सेम 600 100 ग्राम्स। हाँ, 600 रुपीज़ 100 ग्राम्स। फिर आते हैं ये सुप्रीम एडवांस। इसके पहले सुप्रीम बिकता था, अभी सुप्रीम का एडवांस वर्जन निकाल दिया हूँ। ये आपके एसआरडी, केएमएल, जीबी, थाई सिल्क, ये जीजी कैटेगरी का हर फिश के लिए है। जीजी? हाँ, जीजी कैटेगरी, दो कैटेगरी होता है, काम्फा और जीजी। तो ये जीजी कैटेगरी के हर फिश, एसआरडी हुआ, केएमएल हुआ, जीबी हुआ, थाई सिल्क हुआ, ये सब के लिए है। इसमें हेड मतलब ऑल इन वन है, ये हेड भी आता है, पर्लिंग भी आता है, कलर भी आता है इसमें। ये 500 रुपीज़ का 100 ग्राम्स। हाँ, मतलब हॉर्न के सब चीज़ के लिए। हाँ, ये नॉर्मल काम्फा छोड़ के जो हॉर्न है उसके लिए बेस्ट है ये। हाँ, फिर आते हैं ब्रीडिंग के लिए। जो ब्रीडिंग करते हैं तो उन ब्रीडिंग के लिए एक फूड रहता है नॉर्मल, जो एग का काउंटिंग बढ़ाता है फीमेल्स का, एंड आपका जो हैचिंग रेशियो है थोड़ा मेल का बढ़ाता है, डेवलप करता है। हाँ, फ्लावर ऑन के ब्रीडिंग में ये सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा। हाँ, इसका नाम है अल्टीमेट। हाँ, ये भी 500 रुपीज़ 100 ग्राम्स। हाँ हाँ। फिर आते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया हम लोग का, एक्वाबडी। हाँ, ये फिश का डाइजेशन टेक केयर करता है, और बेनिफिशियल बैक्टीरिया तो पानी क्रिस्टल क्लियर रहता है। जो इसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया यूज़ हुआ वो वाटर क्लियर करने के लिए बहुत बेस्ट है। फिश का डाइजेशन बढ़िया होता है, पिगमेंटेशन बहुत बढ़िया होता है, फिश का कलर जो होता है। हाँ, फिश का एजिलिटी भी बढ़ता है, मतलब एक्टिवनेस बढ़ता है, और कलरेशन भी अच्छा आता है इसको डालने से। ये आपका वाटर का टेक केयर करता है पूरा, वाटर में देना। हाँ हाँ हाँ, ये पानी का है। और प्राइस है, ये 100 ml है आपका, 200 रुपीज़ प्राइस है इसका। हाँ, ये आपका मल्टीविटामिन हो गया, ये हर फिश के लिए है, ये ना खाली फ्लावर ऑन, बाकी एरवाना, ऑस्कर, ये आपका जितना फिश है, गोल्ड, इवन गोल्ड फिश में भी काम आता है ये मल्टीविटामिन है। जैसे हाँ, जैसे सबको बॉडी में नीड होता है एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स का, तो उसकी तरह ये काम करता है, ये विटामिन का काम करता है, मतलब जो रह जाए। हाँ, ये आप कप में करके, मतलब पानी में भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, और पैलेट के साथ सोख करके भी दे सकते हैं, जो दाना रहता है। हाँ हाँ। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ का जो बेहतरीन हॉर्न का कलेक्शन है वो कलेक्शन तो दिखा दिया हो, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। जो लोग हॉर्न लवर है उसके लिए ये सच में जन्नत है, बहुत सारा कलेक्शन है, बहुत सारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब इम्पोर्टेड क्वालिटी का हॉर्न आप लोगों को दिखाया, और भी बहुत सारा क्वालिटी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके लिए भैया को कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आप लोग अगर यहाँ से लेना चाहते हैं तो भैया से और एक बार नंबर मांग लेते हैं। मेरा नंबर है 7003160979। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और नॉर्मल मैसेज। कॉल करने का कुछ टाइमिंग है? हाँ, कॉल करने का टाइमिंग है, आप 10 से 6 के बीच में कॉल कीजिए। अच्छा, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कॉल करिए। और यहाँ आप लोगों को डाई आइटम भी मिल जाएगा, मतलब खाना मिल जाएगा, वो सब भी आप लोग भैया से ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दिए। चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आज के लिए गुड बाय।